अल्लाह दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के वेलकम बैक टू माई चैनल चेज योर ड्रीम आज के दिन हम टॉरविर गार्डा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम लेकर आए हैं इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन रोम जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बेहतरीन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनका शुमार आता है और ये जो है रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर भी आती है जिसको हम जो है वो लाजो डिसको इसकॉलरशिप कहते हैं और ये करेंटली आज के दिन हम आपको बताएंगे काफ़ी मैंने एक लम्बा ब्रेक लिया पिछले हफ्ते का लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें थी खासतौर पर केसेस से रिलेटेड तो केसेस में बहुत ज़्यादा मैं बिजी था तो अब यह है कि आप लोगों को अपडेट करता चलूँ कि ये करंटली ओपन हो चुकी है दे चार्ज पब्लिक ये जो है एक तरह की पब्लिक यूनिवर्सिटी भले है रीजनल स्कॉलरशिप जरूर देते हैं लेकिन दे चार्ज अपलिकेशन फीस तो जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो इसके अंदर आपका ज़रूर ख्याल करना चाहिए चलें कमिंग बैक टू द टॉपिक क्या है तो अगर मैं बात करता हूँ कि विच टाइप ऑफ प्रोग्राम दे आर करंटली ऑफरिंग नंबर वन ये बैचलर्स प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लौरा कहते हैं दूसरा इसके बाद हमारे पास वन साइकिल डिग्री ये लोग प्रोवाइड करते हैं वन साइकिल डिग्री को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ इट कंसिस्ट ऑफ अ बैचलर्स प्रोग्राम जो कि तीन साल का होता है और दो साल का मास्टर्स होता है यानी कि पाँच साल का होता है आ, ये समझ लें जैसे कि एम के बाद लोग एफ करते हैं या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं ना तो ये लंबा हो जाता है ऐसा ही होता है ये तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर जो भी हमारे सामने मेडिसिन रिलेटेड आ रहे हैं वेटेरी मेडिसन वग़ैरह फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर आ रहे हैं तो ये प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र करते हैं और आखिर में ये लोग मैसेस प्रोग्राम भी ऑफ़र करते हैं डॉक्टर प्रोग्राम्स भी ये लोग ऑफ़र करते हैं सेकेंड लेवल स्पेशलाइजिंग मास्टर्स होते हैं ये भी लोग प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए अब मैं बात करता हूँ कि यार ये कौन कौन से प्रोग्राम्स किस किस में प्रोवाइड करते हैं तो ये मैंने ज़रा इसको थोड़ा सा ना ब्रेक डाउन करके चेंज कर लिया तो नंबर वन ये आपको बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इकनॉमिक्स में आपको देते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री जो कि इंग्लिश के अंदर टॉट हो रही है अगर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपके सामने बैचलर्स डिग्री आ जाएंगी जो कि ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे सामने इंग्लिश भी है और जहाँ पर नहीं लिखी हुई इंग्लिश तो ये जो है वो इटालियन के अंदर भी पढ़ाएंगे आप लोगों को अगर मैं टोटल बैचलर्स की बात करूँ तो आई बिलीव इट्स अ बेस्ट यूनिवर्सिटी लेकिन ये है कि जैसे कि हम पड़ोवा या फिर पाविया में अप्लाई करते हैं ना तीस यूरो के ऊपर जो है वो तीन चार प्रोग्राम्स में ऐसा अब तक मैंने नहीं देखा पता नहीं हो गया और इसका लेकिन ये है कि ये लोग जो है ना एक वक्त में एक ही प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको तीस यूरो या फिर पैंतीस यूरो डिपेंड करता है तो यार ये बेस्टर्स प्रोग्राम माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही इन लोगों के अच्छे लग रहे हैं मुझको और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग जो कि बायोमेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग के बीच के होते हैं तो वैसे आप ये देखें कितनी सारी लोगों की आ रही है खैर और फिफ्टी टू अभी अभी तो खैर पहला रिज़ल्ट शो करा फिफ़्टी टू रिज़ल्ट है तो जैसे कि मेरी जो लार्ज ऑडियंस है वो इंग्लिश में पढ़ना चाहती है तो सिंपल मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर इंग्लिश रिलेटेड प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं एंड या देख लें यहाँ से मैंने इसको फिर से करा यहाँ पर हमारे सामने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स के अंदर ये बैचलर डिग्री ऑफ़र करते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स स्कूल इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट और मजीद आप नीचे जाकर देख सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस ये भी आई आर से रिलेटेड होता है इंजीनियरिंग साइंसिस इट्सो सिमिलर टू एम इसके बाद जो है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन चेक दैट और नीचे जाकर फर्दर देखेंगे तो यह आपके सामने आ जाएगा बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए आई बिलीव अच्छी जगह है और ये है कि वो बच्चे जो इसके अंदर मतलब साइकोलॉजी टाइप की जो चीज़ों में जाने जा रहे होते हैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रोप इन शॉर्ट तो आई बिलीव इट्स अ गुड प्लेस अब यह है कि अगर आप देखना चाहते हो मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकनॉमिक्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए यहाँ पर उन्होंने थ्री इयर्स का जो है वो बिज़नेस रिलेटेड जो भी इनका बैचर्स प्रोग्राम है वो ओपन किया हुआ है ओपन विद एंट्री स्किल्स टेस्ट मतलब टॉल का आप लोगों को उसमें देना पड़ेगा और ये है कि ये ओपन एक्सेस है मतलब कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है डज़ नॉट रिक्वाइर्ड के आप जो है वो आपके ग्रेड्स क्या हैं या फिर आपने प्रीवियसली जो क्या पढ़ा हुआ है देखो बैच प्रोग्राम में ना इंट्री लेवल ओपन होता है वजह रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता और रीज़न ये होता है कि क्योंकि सब ने जो है डिफरेंट दिफरें, डिफरेंट मतलब डिसिप्लिन से पढ़ा होता है फॉर एग्जांपल कोई प्री इंजीनियरिंग कोई कंप्यूटर साइंस कोई बीए तो ये ओपन एक्सेस वजह से रखते हैं लेकिन ये लोग आप से टॉल टेस्ट इस वाले से लेते हैं ताकि आप लोग उनके क्राइटेरिया पर ऊपर हो या फिर नहीं आप अगर मज़ीद नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सा आ जाएंगे और कोर्स के बारे में आ जाएगा कि यार ये कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है एंड इसके बाद आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स हाउ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग टेकिंग डिसजन्स ऑल द टाइम एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं एंड डिग्री कोऑर्डीनेटर का यहाँ पर इसमें मैंशन किया हुआ क्या है तो ये तो हमारे पास सिंपल इसका हो गया और मजीद यार ये है कि अगर आप कोई अरेजमेंस वगैरह प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अरेजमेंस एक्सचेंज प्रोग्राम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी बहुत सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलती हैं मैंने खुद चेक किया था कुछ ईस्टर्न यूरोप और कुछ एशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर आपको इनकी एराजमेंस प्रोग्राम्स की अफिलिएशन मिल सकती है अगर मैं स्टडी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो यार आप लोगों को जो हैं जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं वो नॉन यू स्टूडेंट्स हैं और उनको ऑफकोर्स वीज़ा के बारे में चाहिए होता है तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे जो कि मैं आप लोगों को अभी ओरली समझा रहा हूँ और इसमें मेंशन भी हुआ है तो ये आप देख सकते हैं नंबर वन बैचलर्स के लिए आप अगर अप्लाई करो तो एटलीस्ट ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी मिनिमम होनी चाहिए और उसके साथ उसकी जो मार्कशीट होती है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी इंटर सर्टिफिकेट मैट्रिक और इंटर का ये दो आपको चार डॉक्यूमेंट्स टोटल चाहिए होंगे इसके बाद आपको यूरोपा सी वी चाहिए होगी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप कर सकते हो और इसके साथ ये है कि अगर आप कोई इटालियन कोर्स के अंदर अप्लाई करो तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव बी वन ऑफ इटालियन लैंग्वेज अदरवाइज इंग्लिश प्रोफेसनसी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो वो जो कि कम्प्लीटली टॉट इन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर पढ़ा रहे होते हैं इसके साथ साथ यूरोपास वी चाहिए रिकमेंडेशन लेटर दो चाहिए आपके पास और लेटर ऑफ मोटिवेशन ये लोग चाहते हैं तो ज़रूरी है इनकी एप्लीकेशन फीस भी होती है थर्टी फाइव यूरो की तो वो भी एक्स आपको देना मज़ीद ये है कि देखें बैचलर्स के लिए टोल्क चाहिए होता है आप लोगों को हर बार बता चुका हूँ मेरे पास इतने केसेस आते हैं बैचलर्स के लेकिन जब मैं बताता हूँ भाई टेस्ट होगा तो आप लोग टेस्ट से भाग जाते हो मैं मानता हूँ यह टॉल्क में थोड़ा सा आप लोगों को हेजिटेशन होती है लेकिन टॉल्क इतना मुश्किल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो तो टोल्क एग्जाम्स ये लोग चाहते हैं अगर टोल्क नहीं लिया जाता तो आप लोगों को उनके जो मिसाल के तौर पर आप काफुस करिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस की बात करें लाजियो यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो एंड साउदर्न लाजियो की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ये लोग आपसे एक आ, अपना ही छोटा सा बनाया हुआ एक टेस्ट होता है वो देते हैं और वो भी सारी चीज़ें बताई होती हैं भाई किस किस जगह से आ सकते हैं मेजोरिटी जो मैथमेटिकल एनालिसिस नंबर सीरीज़ हो गई रैशनल नंबर्स हो गए ऐसे करके ये लोग पूछते हैं कुछ इंग्लिश रिलेटेड तो चले हम बात करते हैं मैच्स प्रोग्राम की तो मैस के अंदर भी अगर आप बैचलर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है तो यू कैन अप्लाई विद इट आप सिंपल जो है बैचलर्स की अगर आप अवेटिंग फॉर डिग्री हैं तो आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस के ऊपर और जो बुनवेड सर्टिफिकेट होता है होप सर्टिफिकेट उसके ऊपर आप कर सकते हो अगर लास्ट सेमेस्टर के हो तब भी आप कर सकते हो अगेन फिर वही पिछले चार डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैट्रिक इंटर के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए यूरोपा सी वी चाहिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए मीडियम ऑफ स्ट्रक्शन सर्टिफिकेट चाहिए लेटर मोटिवेशन चाहिए और आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें अप्लाई कीजिए बिल्कुल और इनकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि देखें आई डू एग्री ये लोग एप्लीकेशन फ़ीस भी चार्ज करते हैं लेकिन इनका एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है उनकी फीस जो है वो नॉर्मल है लेकिन आप ये है कि जैसे पड़ोवा के अंदर 2800 यूरोस होते हैं आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो है आप सिंपल जो है रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देते हो यार ये मुझे अच्छी लगी इसकी बात तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए सिंपल यहाँ पर लिखे हुए और हाँ एक चीज़ ये है कि यार लोग फोटोग्राफ्स और पासपोर्ट नहीं लगाते हैं जो कि ऑथेंटिसिटी होता है तो अगर आप अपने जो है वो ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं तो एक वाइट बैकग्राउंड की जो पिक्चर होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ये है कि वैलिड आपका जो है वो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि भाई मैसेज के लिए अप्लाई करो तो एटलीस्ट तीन साल के लिए आपके पास जो है वो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए ताकि लजिटमेसी रहे तो दोस्तों ये था होपफुली मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी जस्ट गो विद इट और यह है कि अगेन इन द एंड मैं आपसे इस बात का अपोलोजाइज करूँगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया इसका रीज़न ये था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम बता नहीं सकते खैर वो है प्रायोरिटीज़ uh, होती हैं तो इसके ऊपर मज़ीद ये है कि इनके इंटरनेशनल ऑफिस भी मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगा है अगर आप इनके इंटरनेशनल ऑफिस से रिलेटेड जानना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो यार यहाँ पर इनके ना इंटरनेशनल ऑफिस मौजूद हैं यू कैन जिस कॉन्टैक्ट दम ये जो है इसके अंदर आ रहे हैं कैंपस लाइफ अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए तो आई बिलीव इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी मस्ट अप्लाई विद इट फीस ज़्यादा आपको लगती है एप्लीकेशन मैं मानता हूँ पाकिस्तानी सात आठ हज़ार रुपये लगेंगे लेकिन ये है कि मुस्तबिल अच्छा हो सकता है तो थैंक यू सो मच वन अगेन फॉर योर टाइम इन कॉपरेशन अल्लाह हाफिज़ ख्याल रखिएगा